नमस्कार दर्शकों, मध्य प्रदेश शासन संस्कृति विभाग के इस कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं, गमक की प्रस्तुतियां पहुंच रही हैं आप तक ऑनलाइन, यूट्यूब और फेसबुक के माध्यम से। इसी कड़ी में आज हम लेकर आए हैं साहित्यिक सांगीतिक प्रस्तुति, जो कि प्रस्तुत करेंगी श्रीमती विभा चौरसिया। ये इंदौर से हैं। आज की दूसरी प्रस्तुति हिंदी साहित्य में पावस ऋतु को प्रस्तुत करेंगे श्री संतोष अग्निहोत्री, ये भी इंदौर से हैं। इन दोनों प्रस्तुतियों को हम सुने इसके पहले मध्य प्रदेश साहित्य अकेडमी के निदेशक डॉक्टर विकास दबे जी को मैं आहूत करती हूँ कि वो आए और स्वागत वक्तव्य दें। नमस्कार मित्रों, साहित्य अकादमी और मध्य प्रदेश संस्कृति परिषद के प्रयास रहे हैं कि कोरोना काल में हम सब तकनीकी के माध्यम से साहित्य और कला से जुड़े हुए कुछ ऐसे आयोजन लेकर के आप सबके समक्ष उपस्थित हों कि हम सब यह जो एक सामूहिक अवसाद का समय चल रहा है, उस सब से बाहर आकर संगीत और साहित्य कला के आनंद के सागर में कुछ समय के लिए अवगाहन कर सकें। हमारे इन्हीं प्रयासों में प्रति शुक्रवार साहित्य अकादमी आप सबके लिए साहित्य से जुड़े हुए कुछ प्रमुख रचनाकारों की रचनाओं को सांगीतिक प्रस्तुति के रूप में आप सबके समक्ष प्रस्तुत करती आ रही है। इस बार हम सबका सौभाग्य है कि शास्त्रीय गायन के क्षेत्र में एक बहुत ही जाना पहचाना नाम, और मैं यह भी कहना चाहूँगा कि अत्यंत गंभीरता से शास्त्रीय गायन के क्षेत्र में अपना स्थान बनाने वाली विभा चौरसिया जी के स्वरों में कुछ बहुत ही सुंदर रचनाओं को हम सब सुनने वाले हैं। स्वाभाविक रूप से हम सबको ध्यान में आ रहा होगा कि इस मास के कैलेंडर पर गुरु पूर्णिमा अंकित है, और अभी आज जब आप यह कार्यक्रम सुन रहे होंगे उसके 2-3 दिनों के अंतराल में ही हम सब लोग गुरु पूर्णिमा का आयोजन संपन्न करेंगे। हम सब के मन में अपने गुरु के प्रति श्रद्धा का भाव होता है, और हम जानते हैं कि एक लंबा समय साहित्य क्षेत्र में ऐसा बीता है जब वरिष्ठ रचनाकारों ने गुरु को लेकर अपनी रचनाओं के माध्यम से अपने श्रद्धा सुमन बड़े सुंदर ढंग से अर्पित किए हैं। ऐसे रचनाकारों में संत मीराबाई का नाम हम जानते हैं, ब्रह्मानंद जी की रचनाएं बड़ी मानक रही हैं, धर्मदास जी ने पर्याप्त से अधिक लेखन किया, और गोरखदास जी का नाम भी इस संदर्भ में हम सब लोग रेखांकित करते ही हैं। इन सब की रचनाओं के माध्यम से विभा चौरसिया जी आज गुरु वंदना के स्वर हम सब के लिए प्रस्तुत करेंगे। यह तो होगा अपने कार्यक्रम का पूर्वार्ध। अपने कार्यक्रम का उत्तरार्ध भी उतना ही सरस और उतना ही सुरीला है, और इसको लेकर प्रस्तुत हो रहे हैं संतोष जी अग्निहोत्री। हम सब जानते हैं शास्त्रीय गायन के क्षेत्र में संतोष जी का बड़ा जाना पहचाना नाम है, और विशेष करके आकाशवाणी और दूरदर्शन के माध्यम से उनके स्वरों की गंगा में अवगाहन करने का अवसर हमको अनेक बार मिला होगा, और यह भी हम में से अनेक लोगों को विदित होगा कि वे अपने पिता श्री रामचंद्र राव अग्निहोत्री जी से विधिवत शिक्षण प्राप्त करके, क्योंकि उनके पिताजी, श्रद्धेय पिताजी उनके गुरु भी हैं, और उनसे शास्त्रीय संगीत की शिक्षा प्राप्त करके उन्होंने समाज जीवन में अनेकों प्रस्तुतियां दी है, और इन प्रस्तुतियों के संदर्भ में क्या कहें, स्वरों के सम्राट जगजीत सिंह जी हों या उस्ताद अहमद हुसैन हों, उस्ताद मोहम्मद हुसैन हों, सब ने उनके स्वरों की प्रशंसा की है। हमने उनसे आग्रह किया था कि यह मौसम, इस समय यह जो ऋतुकाल है ये बड़ा मधुर है, हम सबके मन को मोहने वाला है, और पावस ऋतु, वर्षा ऋतु हम सबको आकर्षित कर रही है, तो क्यों ना इस पावस ऋतु के सम्मान में, इस पावस ऋतु के स्वागत में, इस पावस ऋतु के आनंद को समर्पित कुछ रचनाएं प्रस्तुत की जाए। स्वाभाविक है, इस प्रकार की रचनाओं की प्रस्तुति की जैसे ही बात आती है तो छायावाद के जो पुरोधा कवि हैं वे सब हमारी स्मृतियों पर तुरंत आकर विराजमान हो जाते हैं, और इसलिए संतोष जी अग्निहोत्री ने महाकवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की एक रचना ली है। एक रचना उन्होंने सुमित्रानंदन पंत, जो वास्तव में प्रकृति के चितेरे कवि कहे जाते हैं, उनकी एक रचना ली है। जयशंकर प्रसाद जी की एक रचना है। एक महीयसी महादेवी वर्मा जी की रचना है। और हमने आग्रह किया था संतोष जी से कि यह सब तो शास्त्रीय रचना संसार है, एक लोक की रचना को भी वे पावस ऋतु के स्वागत में प्रस्तुत करें, और इसलिए उन्होंने एक बहुत ही सुंदर अवधि लोक गीत आप सबके लिए सुरों में संजोया है, और आइए हम सब मिलकर के और आनंद लेते हैं इस संगीतमय संध्या का।
एक विशेष उल्लेख जरूर यह करना चाहूंगा कि विभाजी के साथ संगतकारों के रूप में तबले पर संजय मंडलोई जी जैसे एक वरिष्ठ कलाकार साथ में होंगे और हारमोनियम पर डॉक्टर रचना शर्मा जी हैं। ये दोनों ही अपने क्षेत्र के सिद्धहस्त कलाकार हैं। मैं उनके नाम को भी रेखांकित करना चाहता हूँ और आइए हम सब आनंद लेते हैं आज की स्वर संध्या का। धन्यवाद। नमस्कार, हम साहित्य अकादमी एवं श्री विकास दवे जी के बहुत आभारी हैं जिन्होंने गुरु पूर्णिमा के शुभ अवसर पर हमें यह अवसर प्रदान किया जिसमें हम अपनी स्वरांजलि प्रस्तुत कर रहे हैं।
I'm not afraid.
दर्शकों, जैसा कि आपने बहुत ही खूबसूरत गुरु वंदना सुनी, ये प्रस्तुत कर रही थी श्रीमती विभा चौरसिया। इनकी प्रस्तुति के बाद हमारी अगली प्रस्तुति लेकर आ रहे हैं श्री संतोष अग्निहोत्री जी। ये प्रस्तुत करेंगे हिंदी साहित्य में पावस ऋतु को। तो आइए हम सब जुड़ते हैं। नमस्कार, गमक कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोताओं को नमस्कार। आप सभी को स्वागत है आज के इस कार्यक्रम में। और बहुत सुंदर परिकल्पना की गई है कि हमारे हिंदी साहित्य के जो महान कवि हैं उनकी जो पावस की रचना है, पावस ऋतु आरंभ हो चुकी है, तो उनकी पावस की रचनाओं को हमने संगीतबद्ध कर प्रस्तुत करने का एक छोटा सा विनम्र प्रयास किया है। उम्मीद है ये प्रयास आपको जरूर पसंद आएगा। तो आरंभ कर रहे हैं पंडित सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की इस रचना से, फिर नव घन गहराए बादल, आए बादल छाए बादल। आए बादल छाए बादल, फिर नभ घन
तो गमक की इस बेहतरीन श्रृंखला में अगला पुष्प है सुमित्रानंदन पंत की रचना। सुमित्रानंदन पंत जी ने इस रचना में पर्वत प्रदेश का पूरा वर्णन किया है कि पावस ऋतु में पर्वतों पर किस किस तरह से प्रकृति अपनी छटा बिखेरती है, कितने सुंदर झरने बहते हैं, कितने नयनाभिराम दृश्य प्रकृति प्रस्तुत करती है, इन सभी दृश्यों का वर्णन किया है सुमित्रानंदन पंत जी ने इस गीत में। लीजिए, प्रस्तुत है। Yeah.
देवर से उठकर उठकर गिरिवर के ओर से उठकर उच्चा काशाओं के तरुवर गिरिवर के ओर से उठकर उच्चा जब वर्षा ऋतु की बात आती है तो मीरा की बात आती है। बादल देख डरी, मीरा की विरह रचना जो वर्षा ऋतु से संबंधित है। लेकिन हिंदी साहित्य में पंडित जयशंकर प्रसाद ने भी एक बहुत सुंदर विरह की रचना लिखी है। वे कुछ दिन कितने सुंदर थे जब सावन घन सघन बरसते इन आंखों की छाया बरते। तो प्रस्तुत है पंडित जयशंकर प्रसाद की ये बहुत ही बेहतरीन रचना। वे कुछ दिन कितने सुंदर थे, वे कुछ दिन कितने सुंदर थे जब सावन घन सघन बरसते, जब सावन घन सघन बरसते इन आँखों की छाया भर थे। वे कुछ दिन कितने सुंदर थे, वे कुछ दिन कितने सुंदर थे जब सावन घन सघन बरसते, सघन बरसते, सघन बरसते जब सावन घन सघन बरसते इन आँखों की छाया भर थे। वे कुछ दिन कितने सुंदर थे, वे कुछ दिन कितने सुंदर। सुरधुन रंग नव जलधर से सुरधुन रंजित नव जलधर से भरे क्षितिज व्यापी अंबर
क्षितिज व्यापी अंबर से मिले चूमते जब सरिताते मिले चूमते जब सरिताते हरित कुल युग मधुर अधर थे वे कुछ दिन कितने सुंदर थे वे कुछ दिन कितने सुंदर थे जब भी हिंदी साहित्य में विरह की बात आती है तो आधुनिक मीरा कही जाने वाली महादेवी वर्मा का नाम लिया जाता है। जिस तरह मीराबाई ने विरह की रचना लिखी है उसी तरह छायावाद के जरिए महादेवी वर्मा जी ने भी विरह की बहुत सारी रचनाएं लिखी हैं। तो लीजिए प्रस्तुत है उनकी इसी तरह की एक वर्षाकालीन विरह रचना प्रस्तुत है। जब गिर छा जाती शाम घटा 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 जब गिर छा जाती नील खोजते उड़ चलते
अपने चल उज्ज्वल तवज करणी सरिता भांति, तवज करणी सरिता भांति, श्याम घटा जब गिर जा जाती, श्याम घटा जब गिर जा जाती। कृष्ण मेघ से हो आतंकित, कृष्ण मेघ से, कृष्ण मेघ से हो आतंकित, शिला कंदराओं में आश्रय चले खोजने जब बगुले सित, चले खोजने जब बिगुले सित, तब तरंगिणी शोभा पाती, तब तरंगिणी शोभा पाती, तब तरंगिणी शोभा पाती, श्याम घटा जब घिर छा जाती, श्याम घटा जब घिर छा जाती, श्याम घटा जब घिर छा जाती। सरिता के युग कूलों वाली मेरे गुहा नीलय के पीछे, सरिता के युग कूलों वाली मेरे गुहा नीलय के पीछे, जम्बू की रह सघन द्रुमाली, जम्बू के यह सघन द्रुमाली, किसके मन को नहीं लुभाती, किसके मन को नहीं लुभाती, किसके मन को नहीं लुभाती, श्याम घटा, श्याम घटा, श्याम घटा जब गिर छा जाती, श्याम घटा जब गिर छा जाती। हिंदी साहित्य में जिस तरह हिंदी साहित्यकारों ने बहुत अच्छी अच्छी पावस की रचनाएं लिखी हैं, उसी तरह लोक साहित्य में भी पावस की बहुत अच्छी अच्छी रचनाएं हैं। तो आइए गमक के इस अंक का समापन करते हैं एक कजरी से, सावन झरी लागेला धीरे धीरे। उससे पहले मैं अपने साथी कलाकारों का आपसे परिचय कराना चाहूँगा। तबले पर हैं अजय राव, गिटार पर हैं विकास जैन और कीबोर्ड पर हैं अभिजीत गौर। तो लीजिए आज के गमक की अंतिम प्रस्तुति सावन झरी लागेला धीरे धीरे। ये लोक साहित्य की बहुत ही प्रसिद्ध और जानी मानी कजरी है, हम भी इसे प्रस्तुत करने की एक विनम्र कोशिश कर रहे हैं। सावन झरी लागेला धीरे धीरे, 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 धीरे धीरे, धीरे धीरे, धीरे धीरे। Thank you.
पायल मुरी बाजेला धीरे धीरे पायल मुरी बाजेला धीरे धीरे सावन झरी लागेला धीरे धीरे सावन झरी लागेला धीरे 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 दादुर मोर रामा पपिहा बोले 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 चुनर मोरी भीगेला धीरे धीरे चुनर मोरी भीगेला धीरे धीरे सावन चरी लागेला धीरे धीरे सावन चरी लागेला धीरे 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 श्याम अब चंदन केवड़िया खोलो 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 श्याम चंदन के बढ़िया अकेली डर लागेला धीरे धीरे अकेली डर लागेला धीरे धीरे सावन झरी लागेला धीरे धीरे सावन झरी लागेला धीरे 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 सावन झरी लागेला धीरे धीरे सावन धीरे धीरे सावन झरी लागेला 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 धीरे 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 सावन झरी लागेला धीरे 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 धीरे। देखा आपने कितनी खूबसूरत और प्यारी रचना थी, ये लोक रचना थी, कजरी के रूप में हमने उसे पेश करने की कोशिश की। तो हम बहुत आभारी हैं साहित्य अकादमी के और संस्कृति विभाग के जिन्होंने हमें ये कार्यक्रम आप सबके सामने पेश करने का अवसर दिया, हम बहुत आभारी हैं। अब दीजिए आज्ञा। दर्शकों, श्री संतोष अग्निहोत्री जी की प्रस्तुति के साथ ही आज का कार्यक्रम संपन्न होता है। कल फिर मिलते हैं गमक में कुछ नई प्रस्तुतियों के साथ। धन्यवाद।